सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको एक किसी एक नाम से पुकारना, ये ठीक नहीं है। पांच राज्यों में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खड़गे का आरोप है कि बीजेपी की सरकार फौजियों और सरकारी अफसरों से अपना चुनाव प्रचार करवा रही है, जो कि सरासर गलत है। खड़गे ने आरोप लगाया कि ऐसा करना केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1964 का उल्लंघन है, जो निर्देश देता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा। क्या है मामला बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कहा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। मोदी साहब और उनकी सरकार फौजियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उनको जो छुट्टियां मिलते हैं, जो हमारे बॉर्डर पे रहते हैं, वो अपने फैमिली के साथ एक खुशी के दिन मनाने के लिए वो आते हैं, अपने बच्चों से, पिताओं से, माताओं से, घर के लोगों को मिलके खुशियां बांट लेते हैं। लेकिन मोदी जी उनको भी नहीं छोड़ा कि वो फौजी वालों को भी, एक तो बॉर्डर पे काम करके थक के आते हैं, दूसरा फिर इन्होंने रथ के प्रभारी बना के भेज रहे। तो ये ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ, शायद ये चुनाव आ रहे हैं इसीलिए ये पांच स्टेट में जो चुनाव हो रहे इसको देखते हुए उन्होंने ये काम किया है। इसके लिए हम बोले हैं कि ये करना ठीक नहीं, उचित नहीं, डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ है। और उनको जो एक यानी मेंटल पीस होना चाहिए वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसके बाद बीजेपी नेता डिफेंस मोड में आ गए हैं और सरकार के इस कदम को सही ठहराने के लिए हर अपने अपने पॉइंटर्स सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा, यदि मोदी सरकार सभी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करना चाहती है और सभी लाभार्थियों तक पहुंचना सुनिश्चित करना चाहती है, तो गरीबों के हित को ध्यान में रखने वाले किसी भी व्यक्ति को समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन कांग्रेस की रुचि केवल गरीबों को गरीबी में रखने में है और इसीलिए वह इसका विरोध कर रहे हैं। नड्डा के अलावा बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने भी खड़गे के पीएम मोदी को लिखे गए पत्र पर अपनी बात रखी है और लिखा, किसने कहा कि भारत सरकार में नौकरशाहों को कार्यान्वित कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है? क्या उन्हें प्रभाव का आकलन करने के लिए सिर्फ कार्यालयों में बैठना चाहिए और जमीन पर नहीं होना चाहिए? नौकरशाहों का कर्तव्य है कि वह लोगों की सेवा करें, जैसा निर्वाचित सरकार उचित समझे। अब भले ही बीजेपी नेता जो भी कह रहे हों, लेकिन विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि ईडी, आईटी विभाग और सीबीआई पहले से ही बीजेपी के चुनाव विभागों के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी से इस पर अपील भी की है कि सिविल सेवकों और सैनिकों दोनों को राजनीति से बाहर रखा जाए, और साथ ही कहा है कि हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा को देखते हुए ये अनिवार्य है कि इन आदेशों को तुरंत वापस लिया जाए। न्यूज़ तक ब्यूरो।